चाहता हूं कि ये जन जन की आवाज बननी चाहिए और हमारे कंधे पर यही रेजिमेंट का निशान होना चाहिए। ये सही है कि अभी तो ये छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। और मध्य प्रदेश का ये ट्रेलर पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ी पिक्चर की भूमिका को इसने बना दिया है इसने। और जिस तरह से मेरे नौजवान साथी समाज के तमाम संगठनों के संगठन अध्यक्ष बड़ी मात्रा में दूर दराज से चलकर के आए, जो नौजवान साथी सिर्फ उनकी आशा है, अभिलाषा है, और वो हर बार यही ऐसे मेलों में जाते हैं और यही सोचते आस लगाते हैं रेजिमेंट कब बनेगा, ये रेजिमेंट कब बनेगा, ये रेजिमेंट उसी दिन बन जाएगा जिस दिन 14% आबादी हिंदुस्तान में यादवों की है, जिस दिन 7% यादव कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो गए उसी दिन कंधे जाए। और मेरे नौजवान साथियों, यहां पर कोई किसी के लिए नहीं आया, यहां सब अभी रेजिमेंट के लिए आए हैं ये रेजिमेंट के लिए। आई रेजिमेंट इस देश की यही रानियों ने, छत्रानियों ने, हमारी माँ ने सीने का दूध पिलाया है और ये कहती है कि सीमा पर जाना है तो सीमा पर सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। और इस यदवंश के बेटों ने और बेटियों ने सीनों पर गोलियां खाई है, कभी पीठ पर गोली नहीं खाई। ये 114 जवानों की वीरता की, शौर्य की, पराक्रम की अद्भुत दास्तान अगर पूरे विश्व की लड़ाइयों की अगर बात करें, टॉप टेन की बात करें तो टॉप टेन में 8वें नंबर की लड़ाई रजांगला की लड़ाई है। तो ऐसे ही जब युद्धों का हम दास्तान तो बड़ा बखान करते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल करना होगा, आपको जगना होगा और सरकारों को जगाना होगा। और जगाने का काम हम बखूबी जानते हैं कि कैसे करते हैं। संविधान ने हमें बहुत बड़ा अधिकार दिया है, मत का अधिकार, वोट का अधिकार। और ये नौजवान साथियों ने कहा कि ये रेजिमेंट का ही मुद्दा नहीं, इस रेजिमेंट के मुद्दे से बजाने समाज की कितनी क्रूतियों का सफाया होता हुआ भी हमें दिखता है, कितनी क्रूतियां समाप्त होने जा रही है। अगर यही रेजिमेंट के साथ हम एक साथ इकट्ठे होते हैं तो बहुत बड़ी समाज की ताकत बनती चली जाती है और इस ताकत को मुट्ठी बनाना है। और जिस दिन ये मुट्ठी बनती बंध गई तो उस दिन ये देख लीजिए कि आपकी अही रेजिमेंट। और मेरे नौजवान साथियों, भाइयों, बहनों, ये अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है, अहीर रेजिमेंट का अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है और आप सब इस अश्वमेघ यज्ञ के आहुति डालने के, आप अगर इसमें शामिल हो रहे हैं ये तो आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। ये गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, प्रदेश देश की हर जगह ये रथ जा रहा है और ये रथ दिल्ली में भी जाएगा।
क्योंकि सरकारें तो दिल्ली में है ना, तो रेजिमेंट भी दिल्ली से ही बनेगा। और मैं इस मंच के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री महोदय, आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि 26 करोड़ यादवों ने अब एकत्रित होना सीख लिया है, इकट्ठा होना सीख लिया है। अगर इनकी मांग को नहीं माना गया तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और ये आपको संगठित होकर के दिखाना होगा। 23 में मध्य प्रदेश में है, 23 में इलेक्शन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में यादवों की संख्या कितनी है? 1.5 करोड़ यादव है मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश और बिहार में 3-3 करोड़ है। और जहां हिंदी भाषा ही नहीं जानते, कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु के अंदर 90-90 लाख है वहां पर। इतनी बड़ी संख्या में है। तो 2023 में जो आज ट्रेलर आपने यहां भोपाल में दिखाया है, तो मध्य प्रदेश के चुनावों में दिखना चाहिए। सभी पार्टियों के प्रतिनिधि आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए। बहुत बहका लिया, 100 साल से बहकते तो आए, बहकते हुए आ रहे, लूटते हुए आ रहे हैं। हमें लोगों ने लूटा है, अब नहीं लूटेंगे, अब नहीं लूटेंगे, नाम टूटेंगे। अब तो एक साथ खड़े होकर के ये दिखाना है, अगर अही रेजिमेंट बनाओगे तो वोट पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। ये वीरों के सम्मान के लिए हम मांग रहे हैं। देश के अंदर कितनी पार्टियां हैं? हजारों पार्टियां हैं। हर एक व्यक्ति अपनी पार्टी बना करके बैठ जाता है। लोकतंत्र के सुख को भोगने के लिए हम सत्ता नहीं मांग रहे, हम कोई पार्टी नहीं मांग रहे, हम कोई पद नहीं मांग रहे, हम तो देश पर मर मिटने का अधिकार मांग रहे हैं। जब इस कौम की माताओं ने अपने दूध को सीमा पर भेजने की ठानी है, बहनों ने अपनी राखी को सीमा पर खड़े करने का अधिकार मांगना है, और जो हमारी वीरांगनाएं, उन्होंने अपने मांग के सिंदूर को सीमाओं की रक्षा पर कुर्बान करने के लिए जब वो तत्पर हो गई हैं, तो माननीय मोदी जी इस मांग को मान लीजिए, मान लीजिए। दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली बहुत नजदीक है। और ये जो आज आयोजन हुआ, आप लोगों ने दूर दराज के लोगों का जो मान सम्मान किया, जो आज भूतपूर्व सैनिक भी बैठे हैं, हरियाणा से भी लोग चलकर के आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी आए हैं, बिहार से भी आए हैं, झारखंड से भी आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, तो इन तमाम लोगों का जो आपने हृदय खोल करके, बाहें फैला करके जो स्वागत किया है, मैं मध्य प्रदेश के इन बुद्धिजीवी और नौजवानों का हृदय से उसके लिए अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरह से आपने लाखों की संख्या में एक ऐसा जमावड़ा इकट्ठा कर दिया कि कोई भी किसी बिना नेतृत्व के, कोई नेतृत्व नहीं था, कोई लीडर नहीं था, सब आपने अपने इतने अनुशासन से, संयम से इतना बड़ा जुलूस निकाला है,
तो ये काबिले तारीफ है। मैं आप सबको इसके लिए सलाम करता हूँ। और जो भाई सुनील यादव जी 3 महीने पहले आए थे मेरे घर पर, रात को 11 बजे बैठ करके चर्चा हो रही थी, उन्होंने इस चीज की रूपरेखा बनाई, उन्होंने एक नया आयाम, एक नई दिशा अहिर रेजिमेंट के मूवमेंट को दी है। मैं भाई सुनील, यश और उनकी तमाम टीम को हृदय से साधुवाद देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। मेरे बुजुर्ग आगे बैठे हुए हैं, मैं उनके चरणों में नतमस्तक होकर के वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आखिर में यही कहूंगा कि अब जो वापस जाओगे तो उसी संयम के साथ, अनुशासन के साथ अपने घर सुरक्षित पहुंचेंगे। मैं ये ऐसा आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि हम सेना पर मर मिटने के लिए हैं, हमारा खून राष्ट्र के लिए बहना चाहिए, हमारा खून सरहदों के लिए बहना चाहिए। हम नौजवान इतने बड़ी संख्या में हैं और आप लोगों की तरफ से मैं भारत सरकार को 2 लाइनों में 2 वाक्य कहकर के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि ये सांसों के तराने हिंद का नवदान गाएगा, इन यादवों का शौर्य लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पर समर्पित है, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। एक बार मुट्ठी बांध करके, हाथ उठा करके, भारत माता की जय।